हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बुद्धा का डिजाइन का ट्रिमर, जिसे कोई कोई लोग ड्रैगन ट्रिमर के नाम से भी जानते हैं। इसको अनबॉक्सिंग करके है। चलो तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। चलिए आज इसे ओपन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो। ये है हमारे ट्रिमर का बॉक्स, देख सकते हो आप। बॉक्स ही काफी अट्रैक्टिव है, सोच सकते हो ट्रिमर भी काफी अट्रैक्टिव है। चलो इसे ओपन करते हैं। इधर हमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि ये चार्जर, ऑयल का डिब्बा, बैटरी और ये ब्रश। दोस्तों ये रहा हमारा ट्रिमर, देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव है। इस पर भी काफी प्रिंटिंग की हुई है, देख सकते हो आप, बुद्ध की प्रतिमा। इसकी प्राइस भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, चलिए इसके खाली करके दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इधर कहीं पे भी इसका ऑन बटन नहीं दिख रहा, इसमें ऑन बटन नीचे भी सेट दिया हुआ है। देख सकते हो आप ब्लैक कलर का इधर है, बट अभी इसमें सेल नहीं है तो पहले सेल डालते हैं। चलो स्क्रू की तरह ही होता है ये। अभी हमारा ट्रिमर चालू होने के लिए रेडी है, देख सकते हो वाइब्रेशन की आवाज सुनाई दे रही होगी आप लोग को भी। ये ट्रिमर से एकदम जीरो क्लीन होता है, और आपको थोड़ा बहुत भी रखना हो आप ये क्लिप का यूज कर सकते हो। चार क्लिप दी हुई है, ये है 1.5 mm की, ये 4 mm की, 2 mm की, 3 mm की। चार क्लिप दी हुई है जिसे आप इसे यूज करके यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हेयर थोड़े फटते हैं तो ये ब्रश से आप साफ भी कर सकते हैं, और कभी कभार वीक में या महीने में इसको ऑयलिंग भी कर दिया करो ब्लेड पर। देख सकते हो आप यहाँ पे ब्लेड भी काफी अंदर अंदर है, एकदम क्लोज है, यानी कि देख सकते हो कि ये एकदम जीरो क्लिक कर सकता है। दाढ़ी के लिए, हेयर के लिए, हेयर में जो डिजाइन करते उसके लिए उसमें अच्छे से हो सकता है। ये इसका चार्जर दिया हुआ है, ये चार्जर किस तरह से करते हैं दिखाते हैं। बैटरी को सिंपली दोनों साइड से यूज होता है, तो कोई भी साइड आप डाल सकते हो डायरेक्ट इसे लगा दो, और यहाँ पे जो USB केबल है उसको चार्जर एडेप्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर भी शोन करके दिखाएगा कितना परसेंट बैटरी है इसमें, और ये बैटरी है 1800 mAh की, जो काफ़ी बेहतरीन है। बाकी जो और सारे जो ट्रिमर आते हैं उसमें तो 600 mAh की नहीं आती है, तो ये इस प्राइस रेंज में तो ठीक ही है। प्राइस में बताता हूँ, मेरे पास एक और ट्रिमर भी था नोवा का, बट वो प्लास्टिक मॉडल का था और उतना भी खास नहीं था वो, बट ये जो है पूरा मेटल बॉडी है इसका, सुन सकते हो आवाज़ आप इसकी। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी।
चलो अब इसका प्राइस रेंज बताता हूँ। मैंने ये मीशो से मंगवाया था तो मुझे ये पड़ा था 300 रुपये में, ऑफर के साथ था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और कोई वीडियो की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आगे का वीडियो दे दूंगा आपको।